नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक टू एडवांस लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड के बारे में कि ट्रेंड हम चार्ट में कैसे फाइंड करें। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ट्रेंड को चार्ट में कैसे देखें। ज्यादातर लोगों को ये तो पता होता है कि मार्केट में अप ट्रेंड होते हैं, डाउन ट्रेंड होते हैं, मार्केट साइडवेज होती है, लेकिन जब मार्केट वो जब चार्ट में ढूंढते हैं तब उनको नहीं मिलता है। बस उन्हें ये तो पता है कि हाँ भाई मार्केट में किसको मार्क करें, इसको हाई ले, इसको लो ले, किसको ले, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि किसको हायर हाई माने, किसको हायर लो माने, किसको लोअर हाई माने, किसको लोअर लो माने। तो ये सारी बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि ट्रेंड को हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे अप ट्रेंड को फाइंड करते हैं, कैसे डाउन ट्रेंड को फाइंड करते हैं और कैसे साइडवेज मार्केट को फाइंड करते हैं। और हम आपसे वादा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रेंड से रिलेटेड कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। आप इतना सीख जाओगे कि कम से कम मार्केट में ट्रेंड ड्रॉ कर लोगे आसानी से। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर और ये हमने आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चूज किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे अप ट्रेंड के बारे में। अप ट्रेंड में क्या होता है, जैसे मार्केट ऐसे चली ऐसे चली ऐसे चली ऐसे चली ऐसे चली ऐसे चली, ठीक है। तो आपको अब ट्रेंड में जो अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, तो ये हमारा हो गया लो, फिर ये एक लो हो गया, एक लो ये हो गया और एक लो ये हो गया, एक हाई ये हो गया, एक हाई ये हो गया, एक हाई ये हो गया। अब आपको तो दिख रहा होगा ना कि ये मार्केट ऊपर जा रही है ऐसे ऐसे करके, लोअर लो सॉरी हायर लो बना के और हायर हाई बना के मार्केट ऊपर जा रही है। तो अगर आपको इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो आपको ऐसे करके एक ये लो मिलाना है आपको, यहाँ से आपने लो मिलाया और यहाँ से एक लाइन ले गए और ऐसे करके मिला दिए इसको आपने, इसके लो नीचे नीचे आपने ये, इनको आप बोलते हो हायर लोस, हायर लोस, हायर लोस। ये हमारा पहला हायर लो है और उसके आगे वाला दूसरा हायर लो है। ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा हो गया दूसरा और ये हमारा हो गया तीसरा, ठीक है। अब आपको हायर हाई, ये हमारा फर्स्ट हायर हाई हो गया, ये हमारा सेकंड हायर हाई हो गया, ये हमारा थर्ड हायर हाई हो गया। तो ये यहाँ से ऐसे हमने हायर हाई के लिए ड्रॉ करा और ये हमारा हायर हाई हो गया। तो अब ट्रेंड में हमको क्या ध्यान रखना होता है, जो भी हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है तो वो हमारा हायर हाई, एक हायर हाई और दूसरा हायर हाई मिलना चाहिए। ये जैसे हमने अभी किया है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपका एक तो मिल रहा है दूसरा नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा है तो फिर ये आपका फेक ट्रेंड है। आप फिर इसको ऐसे मिला सकते हैं, इसको ऐसे करके, क्योंकि मेन जो ट्रेंड होता है, अगर आप किसी ट्रेंड के बारे में बात करोगे तो उसका जो पॉइंट है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, मतलब पहला हायर हाई या दूसरा हायर हाई, ये जब तक नहीं मिलेंगे ट्रेंड में, ये दोनों ही, जब तक ये दोनों नहीं मिल रहे तब तक आपका कोई ट्रेंड नहीं है। अगर ये दोनों मिल रहे हैं तब तक ही आपका ट्रेंड स्ट्रांग है। उसके बाद जैसे ही तीसरा मिला तो तीसरा देखिए यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया आपको, लेकिन ये हो गया फेक ब्रेकआउट, ठीक है। फेक ब्रेकआउट से फिर ये आपको यहाँ से अंदर आने लगा और ये पूरा कंटिन्यू करके ये ऐसे पूरा ये नीचे जा सकता है, ये ऐसे नीचे जा सकता है यहाँ से। अप ट्रेंड के बारे में, अप ट्रेंड में क्या होता है, आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस हायर लो को मिलाया, ठीक है, और इस हायर लो को मिलाया, तो मार्केट क्या करती है, मार्केट सिर्फ ट्रेंड लाइन को दो अटेम्प्ट, मतलब एक अटेम्प्ट हमारा ये हुआ, यहाँ इसने मार्केट को यहाँ से टेस्ट करके ऊपर गई, ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पे अटेम्प्ट लिया और यहाँ पे टेस्ट करके ऊपर गई। तो जब हम किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो मार्केट सिर्फ दो अटेम्प्ट तक ही उसको रेस्पेक्ट करता है, उसके बाद फिर मार्केट या तो साइडवेज हो जाता है या फिर रिवर्सल ले लेता है वहाँ से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ पे अच्छा खासा एक मूव दिया यहाँ तक का, उसके बाद फिर ये साइडवेज हो गया, पूरे तीन साइडवेज रहा, यहाँ तक ऐसे साइडवेज ही रहा, यहाँ से यहाँ तक का तो मूव बहुत अच्छा था, सेकंड अटेम्प्ट के बाद फिर ये साइडवेज हो गई। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे साइडवेज की, तो आप देखेंगे मार्केट साइडवेज में क्या होता है कि एक रेंजवेज का क्या होता है, साइडवेज मार्केट में बायर सेलर दोनों हावी होते हैं एक दूसरे पे, वो ना ही बायर चाहते हैं कि मार्केट नीचे गिरे और ना ही सेलर चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, तो दोनों लोग इक्वल सप्लाई और डिमांड कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि मार्केट एक हाई बना लेता है और एक लो बना लेता है,
बार बार उस हाई के पास जाएगा, इस हाई जैसे ये आप मार्केट में यहाँ पे आप देखेंगे एक हाई बना लिया, ये एक लो बना लिया, और पूरे दिन उसी रेंज में मार्केट घूमता रहेगा। अब इसने यहाँ पे ये हाई बनाया और ये यहाँ पे आया लो बना लिया, फिर देखिए थोड़ा ऊपर गया नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया ये नीचे आ गया, फिर यहाँ की इसने और रेंज छोटी कर ली और साइडवेज हो गई, और यहाँ से फिर ये देखिए यहाँ से ऐसे आया हाई, इसका इसने ये लो बना लिया, ये हाई बनाया, पहले का हाई 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 इसका है, फिर यहाँ से लो इसने किया और यहाँ पे साइडवेज हो, मतलब पूरा टोटली साइडवेज रहता है। तो ये क्या होता है कि आपका जो ट्रेंड लाइन है एक, वो आपका जो ट्रेंड लाइन है वो रेजिस्टेंस का काम करता है हायर के लिए, और लोअर वाला जो ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट का काम करता है। अब ये पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा, तो इसको आप ये नहीं बोलोगे कि ये हमारा थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो हमारा ये जो है डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड नहीं होता, डाउन ट्रेंड कुछ इस तरह से होते हैं, ये तो आपका साइडवेज मार्केट हो गया। तो हम चलिए आपको बताते हैं कि साइडवेज के बाद हम डाउन ट्रेंड कैसे फाइंड करते हैं। तो डाउन ट्रेंड के बारे में हम आपको बताते हैं, डाउन ट्रेंड मार्केट में ये है, जैसे ये डाउन ट्रेंड है, आपको इसमें क्या फाइंड करना होता है, लोअर लोज और लोअर हाई। ये हमारा एक लोअर हाई हो गया, एक हमारा ये लोअर हाई हो गया, एक हमारा ये लोअर हाई हो गया। तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं लोअर हाई लोज की, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, रिस्पेक्ट कर रही है, तो वो दूसरी बार जब रिस्पेक्ट करेगी तो वो वहां से या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी या तो रिवर्सल ले लेगी। तो यहाँ पे मार्केट ने देखिए रिवर्सल लिया नहीं लिया, लेकिन साइडवेज जरूर हो गई। अब आप देखिए ये मार्केट यहाँ से थोड़ा रेंज में ट्रेड करने लगी, यहाँ पे इसने एक हाई बना लिया, ये लो बना लिया, फिर यहाँ हाई बनाया लो बनाया, साइडवेज रही, फिर हाई गई, फिर ये लो, फिर एट लास्ट ये 2 बजे के आसपास मार्केट यहाँ से नीचे है, लेकिन इतनी देर यहाँ पे ट्रैप करते रहे, प्रीमियम डिके होता रहा। तो इस तरह से आपको फेक जो रिवर्सल है इनसे बचना होगा। अब हम आपको डाउन ट्रेंड के कुछ और एग्जाम्पल दिखाते हैं, तो चलिए ढूंढते हैं डाउन ट्रेंड के। ये देखिए ये सब एक रेंज बनी हुई है, यहाँ पे आप अगर लाइन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि साइडवेज की एक रेंज बनी हुई है कि मार्केट पूरे दिन यहीं ऐसे ऐसे हायर लो हायर लो, मतलब एक हाई और लो बना के उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो ये सब एक रेंज बनी हुई है। अब ये देखिए इसी, ये हमने आपको एक अप ट्रेंड का और एग्जाम्पल देखते हैं। ये अप ट्रेंड यहाँ से ये क्या हो गया, अप ट्रेंड यहाँ से देखिए ये हुआ और यहाँ पे मार्केट ने इसको देखिए रिस्पेक्ट किया। ये तो एक्चुअली वीक है तो उसकी कोई बात नहीं, मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ये हाँ मार्केट में ये देखिए एक अप ट्रेंड यहाँ से चला यहाँ तक गया, इसने फिर यहाँ से रिस्पेक्ट किया यहाँ तक गया, उसके बाद देखिए नेक्स्ट डे कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। क्योंकि यहाँ से हमने आपको बताया था जहाँ पे उसने 2 अटेम्प्ट मार्केट को मार्केट 2 अटेम्प्ट ट्रेंड लाइन या फिर किसी भी लाइन को रिस्पेक्ट करता है, अगर तीसरा अटेम्प्ट आ रहा है तो फिर वो, अब यहाँ पे देखिए अच्छा खासा बुलिश हो रही थी, तीसरे अटेम्प्ट में वो फेल हो गई और कितनी बड़ी रेड कैंडल बनाई। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे सोचे कि यार अच्छा खासा मार्केट बुलिश ट्रेंड चल रहा है, मार्केट यहाँ से अच्छा ऊपर जा रही है, तो हम यहाँ से ये कंटिन्यू ऐसे कंटिन्यू करेगा, मान लीजिए ऐसे ऐसे ये यहाँ ऐसे आई या वैसे ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके कंटिन्यू करेगा, लेकिन कंटिन्यू तो करा वो क्योंकि ट्रेंड लाइन बनी थी तो कंटिन्यू तो वो करा, लेकिन आपका अच्छा खासा वो एसएल ले लिया। अब आपको उसने यहाँ पे एक इतनी बड़ी कैंडल रेड दे दी कि आप इसके बाद इतना बड़ा रेड कैंडल के बाद ट्रेड नहीं करने वाले हो। भाई मैं तो नहीं करने वाला, अगर आप कर रहे हो तो फिर कर सकते हो, मैं तो नहीं करूँगा। अगर मैंने यहाँ कहीं ऊपर जाने के लिए ट्रेड लिया है कि हाँ भाई यहाँ से ऊपर जाएगी और इतना बड़ा 24 पॉइंट का एक ही कैंडल में एसएल हो जाए पहली कैंडल में दिन की, तो मैं तो नहीं ट्रेड करने वाला। 24-25% का एसएल होता है मेरा अगर, तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और फिर उस दिन फिर पूरे दिन साइडवेज भी रही, तो ऐसा नहीं कि उस दिन प्रीमियम बहुत बढ़ने वाला है, प्रीमियम बढ़ा भी नहीं और एसएल भी हमारा हो गया। तो मैं इसी वजह से ट्रेड देखिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, यहाँ मेरा एसएल हुआ तो मैं बाहर निकल गया ट्रेड से। उसके बाद देखिए फिर यहाँ से थोड़ा तो यहाँ इस कैंडल के तो बराबर आ गया, फिर भी पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही और प्रीमियम डिके करता रहा। तो इस तरह से आपको ट्रैप से बचना होगा, और ट्रेंड लाइन जो होती है वो आपको ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है कि भाई ट्रेंड लाइन 2 अटेम्प्ट, मार्केट 2 अटेम्प्ट तो रेस्पेक्ट करता है किसी भी ट्रेंड लाइन का, लेकिन उसके बाद वो नहीं ट्रेंड लाइन एक्टिव रह जाती है हमारी, वो एक्सपायर हो जाती है एक तरह से और बहुत से वीक हो जाती है, या ना ही वो रेस्पेक्ट करता है, हो सकता है वहाँ से वो रिवर्सल ले ले या फिर नहीं रिवर्सल ले रही है तो वहाँ से साइडवेज आ रहा है। आपने बहुत सारे देखा होगा कि चार्ट पैटर्न ट्रेंड लाइन के आधार पर ही बनते हैं, लेकिन
वो एक टाइम ऐसा आता है कि जब दो या तीस दो अटेम्प्ट के बाद जब तीसरा अटेम्प्ट होता है तो वो वहाँ से रिवर्सल ले लेती है। मतलब अगर हमारा ये मान लीजिए एक चार्ट पैटर्न कोई बना, आपको चार्ट पैटर्न का एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना, ये हमारा बियरिश फ्लैग पैटर्न बना, ठीक है। भी हमारा एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, एक हमारा बियरिश फ्लैग पैटर्न बना, ये एक अटेम्प्ट लिया, दूसरा अटेम्प्ट लिया, तीसरे अटेम्प्ट को लेने आई और यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ तक का लगभग 50% से ऊपर का ब्रेकआउट कर दिया उसने। तो ये चीज सब आपको ध्यान में रखना होगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ ट्रैप हो रहा है, ट्रेंड लाइन भी ट्रैप कर रही है। ट्रेंड लाइन सिर्फ दो अटेम्प्ट तक ही एक्टिव होती है और एक्सपायर नहीं होती, तीसरे अटेम्प्ट में वो एक्सपायर हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको